क्या 1996 से चल रहा राजनीतिक सफर लेगा विराम? क्या अब पुत्र अब्बास संभालेंगे राजनीतिक विरासत? क्या इस बार मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव? क्या बदल जाएगा पूर्वांचल के राजनीति का समीकरण? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। सातवें चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 17 फरवरी अंतिम तिथि है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी को लेकर। जी हां, मुख्तार अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं। वह जेल में हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं। 5 बार में से 3 बार तो वो जेल में रहकर ही चुनाव जीते। कहा जाता है कि मऊ सदर विधानसभा सीट मुख्तार अंसारी के लिए सबसे मजबूत सीट है। ऐसे में किसी और दावेदार का मुख्तार अंसारी के सामने खड़ा होना यानी एक कड़ी चुनौती को सामने लाने के बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नई खबरें भी सामने आती जा रही हैं। जी हाँ, अभी पिछले दिनों ही खबर आई थी कि मऊ सदर विधानसभा सीट के लिए मुख्तार अंसारी के साथ साथ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे या मुख्तार अंसारी अब अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र अब्बास अंसारी को देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, सूत्रों ने इस खबर पर मोहर लगा दी है। सूत्रों के अनुसार मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे उनके पुत्र अब्बास अंसारी। हालांकि मुख्तार अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट से खुद चुनाव लड़ने की इजाजत ले चुके थे। उनके लोगों ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार ने इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस सवाल का अधिकृत तौर पर जवाब नहीं मिला है, लेकिन इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे। एक तो मऊ सदर सीट से मुख्तार सहित अब्बास अंसारी का भी नामांकन पत्र खरीदा गया। दूसरे, सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि उन्होंने मऊ की सदर सीट अंसारी परिवार के लिए छोड़ी है। अब परिवार को ही तय करना है कि उस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, मुख्तार अंसारी लड़ेंगे या अब्बास अंसारी। 1996 के बाद यह पहला मौका होगा कि मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी नामांकन की अंतिम तिथि 17 फरवरी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि खबरें तो यही आ रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी भाषणों के दौरान भाजपा ने माफिया शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि योगी सरकार ने एंटी माफिया मुहिम चलाई, जिसके वजह से आज उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म हो गई है, अपराध कम हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी अपराध कम नहीं हुआ है। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको यह बताया भी था कि जो सरकारी आंकड़े कहते हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराध कितना कम हुआ है और कितना बड़ा है। बात रही आपराधिक संरक्षण की, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है, उस बंगले का क्या उपयोग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलिहान का कोई उपयोग है क्या? जी हाँ, यदि आप अपने जीवन को सुख और शांति से जी रहे हैं, लेकिन अचानक आपके किसी अपने की हत्या हो जाए, किसी का अपहरण हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, तो इस सुख और शांति का कोई उपयोग है क्या? लेकिन पिछले 5 सालों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 हत्याएं हुई हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश में अकेले प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुई हैं। वही बात यदि बलात्कार की करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार अकेले 2020 में उत्तर प्रदेश में करीब 2,769 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। चोरी और अपहरण के मामले तो और चौंकाने वाले हैं,
लेकिन हम बात कर लेते हैं आपराधिक संरक्षण की। 2017 के हुए विधानसभा चुनाव में करीब 36% आपराधिक रिकॉर्ड वाले विधायक हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के 312 विधायकों में से 114 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। वहीं सपा के 46 में से 14, बसपा के 19 में से 5, कांग्रेस के 7 में से 1 और निर्दलीय के 19 में से 9 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। वैसे ही सांसदों की बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 61 में से 35 सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। ये सभी सांसद उत्तर प्रदेश के हैं। वैसे ही बसपा के 10 में से 5, सपा के 5 में से 2 और कांग्रेस के एक ही सांसद हैं, वो भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद हैं। कोई भी पार्टी यह नहीं बताती कि जब वो सत्ता में थी तब उसने क्या क्या किया, किस किस तरह के कार्य किए जिसका असर समाज के ऊपर पड़ा। कोई पार्टी इसका व्याख्यान चुनावी मंच से नहीं करती। देखते हैं आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में और क्या क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।